चावल में कीड़े निकले हैं सर, और कल की जो छोले की सब्जी थी वो भी उसमें मिक्स की हुई है। और थोड़े ही है जी, हम इंसान हैं जी, हम यहाँ सुविधा साफ सफाई के बारे में सारी कुछ हमें मैम इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रही थी। यहाँ पे हमें जो खाने से मतलब खाने की तो बात बड़ी बात है जी, देखने से ही उल्टी लग गई जी। इस तस्वीर को आपने देखा भी और सुना भी। ये तस्वीर सरकार द्वारा दिए जा रहे पके हुए भोजन की है, जो साफ तौर पर यह दर्शाती है कि सरकार द्वारा दिए जा रहे पके हुए खाने को कितनी साफ सफाई और शुद्धता के साथ बनाया जा रहा है। इस तस्वीर को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अभी तक इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये मामला सरकार तक पहुँच सके। चलिए आपको घटना की पूरी जानकारी बता देते हैं। दरअसल पिछले कई दिनों से नगीना आईटीआई कॉलेज में आंगनवाड़ी वर्करों को प्ले स्कूल के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग के दौरान आंगनवाड़ी वर्करों को दोपहर के समय का पका हुआ भोजन खाने के लिए दिया जा रहा है। पहले और दूसरे दिन आंगनवाड़ी वर्करों ने कहा था कि ये खाना खाने लायक नहीं है, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो मजबूरी में आंगनवाड़ी वर्करों ने खाना खा लिया। लेकिन जब आंगनवाड़ी वर्करों के पास तीसरे दिन खाना पहुंचा तो उसमें कीड़े निकल आए, जिसे देखकर आंगनवाड़ी वर्करों का गुस्सा चौथे आसमान पर पहुंच गया। बताया जा रहा है कि इस खाने से कई वर्करों की तबीयत भी खराब होने लगी है। सभी वर्करों ने मिलकर लापरवाही से खाना बनाने वाले ठेकेदार और उच्च अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। देखिए रिपोर्ट। मेरा नाम जमशीदा है और हमारी यहाँ 5 दिन की ट्रेनिंग चल रही है जी, आईटीआई कॉलेज नगीना। यहाँ पे आज तीसरा दिन है जी। हमारा फर्स्ट डे भी हमारा खाना बिल्कुल अच्छा नहीं था, उसके लिए हमने आगे भी बोला, अपनी जो सबको बोला था जी जो हमसे ऊपर हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। फिर सेकंड डे भी हमारा खाना ऐसा ही था, और आज तो इतना गंदा खाना था जी, खाने चावल के अंदर कीड़े निकले जी। ये वर्कर कोई इस खाने को नहीं खाएगी और ये खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। हम अपने घर से खाना ले आएंगे जी, लेकिन ये खाना नहीं खाएंगे जी, बिल्कुल भी बासी खाना है, बिल्कुल गंदा खाना है जी, जिसको कोई इंसान खा ही नहीं सकता जी। दिक्कत थी सर, ये प्ले स्कूल की 5 दिवसीय ट्रेनिंग है, इसमें पीओ मैडम की तरफ से और खाना है, पीओ मैडम की तरफ से खाना है, लेकिन हमने कई बार खाने के लिए शिकायत करी है मैडम से, मैडम ने कोई सुनवाई नहीं करी है, जो कि हमारे डिपार्टमेंट का मेन मकसद होता है, पूरक पोषाहार देना, पोषण लाना, जो कि हम खुद वर्करों को ही नहीं मिल रहा है, तो हम आगे बच्चों को किस तरह से ले जाएंगे। और सफाई करनी चाहिए उनको, ये ढोर थोड़े ही है जी, हम इंसान है जी, हम यहाँ सुविधा साफ सफाई के बारे में सारी कुछ हमें मैम इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रही थी। यहाँ पे हमें जो खाने से मतलब खाने की तो बात बड़ी बात है जी, देखने से ही उल्टी लग गई जी। 4-5 वर्कर हैं जो हमारी उनकी तबीयत खराब हो गई, उनकी उल्टियाँ लग गई थी। सर प्लीज हम रिक्वेस्ट करते हैं, हमें ऐसा खाना नहीं चाहिए सर, हम अब घर से लंच ले आएंगे कल से, बिल्कुल हमें ये खाना नहीं चाहिए। उनको अपना खाने की मुबारकबाद।